मंसूब जो हुई है शहादत के नाम से, कायम हुई है हक की वो हुज्जत इमाम से, जहाँ दे के अहले इश्क ने सब जिंदगी के कर्ज, बेबाक कर लिए हैं हयात दवाम से। ये राह करबला भी है किन नूरियों की राह, कदमों के सब निशान हैं माहे तमाम। क्या कहना के इब्ने खलील से है जो रिश्ता हुसैन का, वो रिश्ता करबला का है बैतुल हराम से। क्या कहना चश्मे फलक ने देखा है ताबिश ये सानिहा, अहले शहर का वास्ता है अहले शाम से। हम सब एक खुदा के मानने वाले हैं, लेकिन सुबह आशूर का सूरज तुलू हुआ। सवाल यह था कि हुसैन की छोटी सी फौज का अलम किसे नसीब हो। हुसैन ने जनाब जैनब से मशवरा किया कि बहन, ये अलम का ओहदा सुपुर्द करने का वक्त है, तुम्हारा क्या मशवरा है? बोली बहन कि आप भी तो लें किसी का नाम, है किस तरफ तवज्जो सरदार खास व आम, कुरान के बाद है तो बस का कलाम। गर मुझसे पूछते हैं शह आसमा मकाम, शौकत में कद में शान में हमसर कोई नहीं, अब्बास नामदार से बेहतर कोई नहीं। हुसैन ने अली पर से कहा कि चाचा को बुलाओ और कहो कि फुफी ने याद किया है। अब्बास आए हाथों को जोड़े हुजूर शाह, जाओ बहन के पास, ये बोला वो दी पना। जैनब वहीं अलम लिए आई बइज्जुजा, बोले निशां को लेके शहे अर्श बारगा, इनकी खुशी है जो रजा पंजतन की है। लो भाई लो अम, ये इनायत बहन की है। अब्बास फौज हुसैनी के अंबरदार हो गए, अलम हर से अब्बास का है। नजफ की समत देख कर कहा, मुंह करके सूए कब्र अली फिर किया खिताब, जर्रे को आज कर दिया मौला ने आफ्ताब। ये अर्ज खासार की है या अबू तराब, आका के आगे हूं मैं शहादत से कामयाब। सर तन से इब्ने फातिमा के रूह उड़े, शबीर के पसीने में मेरा लहू गिरे। हुसैन की लाडली और चहेती बेटी सकीना ने अपने अम्मू जान जनाबे अब्बास से पानी की ख्वाहिश की। ये वो पानी है कि जिसका जिक्र कुरान में है कि हमने हर चीज को पानी से खल्क किया है, और आज आले रसूल पर फौज यजीद ने पानी बंद कर दिया। अब्बास मुस्कुरा के पुकारे कि आओ आओ अम्मू निसार, प्यास से क्या हाल है बताओ। बोली लिपट के वो के मेरी मश्क लेते जाओ, अब तो अलम मिला तुम्हें पानी मुझे पिलाओ। तोहफा न कोई दीजिए ना इनाम दीजिए, कुर्बान जाऊं पानी का एक जा दीजिए। हजरत अब्बास मैदान में गए, जंग की तराई तक गए, मश्क सकीना को भरा, खैमा गाए हुसैनी की तरफ पलट रहे थे कि दुश्मनों ने आपका एक शाना जुदा किया, मश्क को दूसरे हाथ से थामा, आपका दूसरा बाजू भी जुदा हुआ, मश्क सकीना बह गई, चेहरे तमाम गर्द गरीबी से अट गए। दो हाथ क्या कटे, सभी हाथ कट गए। सूरह तौबा में इरशाद है, बेशक अल्लाह ने मोमिनीन से उनकी जान और माल को जन्नत के इवज खरीद लिया, वो अल्लाह की राह में लड़ेंगे, कत्ल करेंगे और कत्ल हो जाएंगे, ये सच्चा वादा है। इसका जिक्र कुरान तौरात और इंजील में भी मौजूद है। अल्लाह के बरगुजीदा बंदे अल्लाह के इस पैगाम को बखूबी समझते हैं और इस पर अमल पैरा भी होते हैं। करबला आते वक्त इमाम हुसैन फरमाते हैं, मौत फर्जंद आदम के गले का हार है, मुझे अपने असलाफ से मुलाकात का इश्तियाक है,
उतना ही जितना याकूब को यूसुफ से मिलने का इश्तियाक था। मेरे लिए बहुत अच्छी है वो जगह जहां कत्ल होकर गिरूंगा। मेरी निगाहें देख रही हैं, मेरे जोड़ और बंद को सहराई दरिंदे जुदा कर रहे हैं। कोई चारा कार नहीं उस दिन से जो नविश्ते तकदीर हो चुका। खुदा की मर्जी में हम ले बैत की मर्जी है। हम अल्लाह के इम्तिहान पर सब्र करते हैं और साबिरों का अजर पाते हैं। यही वो जगह है जहां इमाम आली मकाम ने तिफली में अपने नाना से किए हुए वादे को पूरा कर दिखाया, अपने अहले बैत के हमराह कुर्बानी पेश कर दी, जहां सिनो साल की कोई पाबंदी न थी। 6 माह के अली असगर से लेकर 80 साल का बूढ़ा हबीब इब्न मुजाहिर भी करबला के मार्के में मौजूद है। रोजे की इमारत कई तारीखी अदवार से गुजरी है। जमाने के साथ इसमें कई तब्दीलियां आती रहीं। उफ्ताद जमाना के सबब इमारत को नुकसान भी पहुंचा और इसकी तजीन और आराइश वक्त के मुताबिक भी होती रही। आज मौजूदा सूरत में ये रोजा बेमिसाल है और इस मुकदस सरजमीन पर दुनिया जहां से हर साल लाखों की तादाद में लोग यहां आते हैं और नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल की जियारत फैजयाब होते हैं। तिल्ले जैनबिया ये वो मकाम बुलंद है जहां जनाब जैनब ने अपने भाई को जंग करते देखा था। जनाब जैनब जब असीर होकर करबला कूफे की तरफ रवाना होने लगी तो आपने खानदान रिसालत के सब्र व इस्तकामत की तारीख को आगे बढ़ाने का अज़्म किया। एक मौके पर आपने अपने भतीजे हुसैन इब्न अली के फर्जंद सैयद सज्जाद मुखातिब करके कहा, ए फर्जंद क्यों दिल गिरफ्तार होते हो? मेरी नजरें उस आने वाले वक्त को देख रही हैं जब तुम्हारे बाबा की कब्र का निशान यहां होगा और ये वो अजीम शान निशान होगा जहां जायरीन के हुजूम होंगे, हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करे। दुरूद व सलाम की दुआओं से उन्हें हर वक्त याद किया जाता रहेगा।